कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत सिसहनी बाजार पर है और 23 अक्टूबर को यहां से देसी कट्टा बरामद किया गया है। मछली बाजार यहीं पर लगता है सिसहनी बाजार में और भोला मुखिया यहीं पर मछली बेच रहा था। इतने में एसएसपी जवान के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है, यानी देसी कट्टा रखने का आरोप लगा है और कुंडवा चैनपुर थाना में सुपुर्द किया गया है। देखिए स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, मानना है। भोला मुखिया पर एफआईआर किया गया है, उसमें दर्शाया गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया है और वहाँ देसी कट्टा बरामद हुआ है। ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। वो ऐसा आदमी नहीं है, ना ही हम लोग देखा उसको। हम लोग के साथ चाय भी पिया, होटल में बैठ करके, उसके बाद आकर दुकान में बैठा और बेचा, और बेच करके पानी को मतलब ये जगह फेंकने गया, उसी वक्त वो आ गया, उसको पकड़ करके लेकर चल दिया। यही तो पकड़ते हुए देखे आप? हाँ, उसी वक्त पकड़ा और ये चल दिया। कुछ नहीं था, सेवा चौड़ी के उसके हाथ में कुछ नहीं था। अब्दुल बारी साहब, आरोप लग रहा है देसी कट्टा उनके यहाँ से बरामद हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं साहब, वैसा तो वो लड़का भी नहीं है। पहले ही बात, पहले तो लड़का हम लोग को एक्टिविटी है ना, इतना उम्र बीत गया, यही सब करते करते जो बाप दादा को हम पहचानते हैं, वो बराबर सब इसी में मछली बेचता है। वो मछली बेच रहा था, वो देसी कट्टा और बंदूक का राइफल लेकर कैसे मछली बेचेगा? एक आदमी नहीं था, वो लाइन में 10-20 मल्ला यहाँ मछली बेचता, पूरा बाजार सब्जी का लगा हुआ था, सारा लोग यहाँ मौजूद थे, हमने देखा कि वो मछली बेच रहा था। नमाज का टाइम होने जा रहा था तो हम अपने चले गए, वहाँ पर पुलिस खड़ी थी। हम पूछा कि भाई कोई काम नहीं यहाँ हुआ है का वहाँ पर ईदगाह के नज़दीक? तो कहा कि नहीं, ये लोग आए हैं गश्ती पर, खैर थाना है, काम है गश्ती करना। हम तो समझे कि एसीपी है कि थाना है, कौन है ना, अपना हम चले गए। वहाँ पर खड़ा था वहाँ पुलिस वाला, हाँ मेरे डूबे से कुछ देर पहले था। तो बात, क्या नाम है? हमारा नाम है अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार, भोला मुखिया पे आरोप है कि देसी कट्टा जो है पिस्टल यहाँ रखे हुए थे, मछली बेच रहे थे। यहाँ पर मछली वो बेच रहे थे और उसी टाइम में मछली बिका गया, वो पानी बिकने गए उधर, और यही टाइम में ये लोग आ करके उसको दौड़ के पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। हाँ, अब बहुत देर से मैंने ईदगाह के पीछे खड़ा था वो, हाँ करीब करीब 4:30-5 बजे के करीब मैं बाजार में ढूँका, और ढूँकने के बाद जो है ना वो जब खड़ा हुआ, खड़ा होकर ताक रहा था, मछली पानी बिकने दिया, उसी टाइम में ये लोग दौड़ करके उसको अरेस्ट कर लिया। अब ले जाके उधर में क्या किया है नहीं किया है ये हम नहीं बताएंगे, यहाँ पर कुछ बरामद नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं था। घटना के पीछे एफआईआर में दर्शाया गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर कुंडवा चैनपुर एसएसबी की टीम गठित होती है कि एक तस्कर जो है देसी कट्टा का तस्करी करने वाला है, और इस गुप्त सूचना पर एसएसबी के जवान लगभग 5 की टीम आती है यहाँ पर, और उनका आरोप है कि हरा प्लास्टिक में एक आदमी रखा हुआ है। प्रशासन जो है एसएसबी वाले उनको पकड़ते हैं और फिर वहां से देसी कट्टा बरामद होता है, और इसकी उन्होंने वीडियोग्राफी भी की है, जैसा कि थाने में उन्होंने प्रस्तुत किया। यहां कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या वीडियोग्राफी करते आप लोगों ने एसएसबी को देखा? क्या नाम है आपका? यही कहें आप जी? दुकान है, दुकान है आपका यहाँ पर, सामने मछली बिकता है? हाँ बेचते हैं। जो एफआईआर में जिस तरीके से दर्शाया जा रहा है, पानी फेंकने गए, ड्राम लेकर गए पानी फेंकने, जब तक कचरा उनको पकड़ लिया हाथ में, कुछ था नहीं। पकड़ते हुए आते हुए देखे हैं आप लोग? हाँ, पकड़ के उधर से लेकर आया था, लेकर आया, हाथ में कुछ नहीं था, नहीं। प्रशासन के पास भी कुछ नहीं था। कितने बजे घटना है ये? लगभग 5:30-5। और एफआईआर में तो 7:15 और 7:30 दर्शाया गया है, 7:15 में उन लोगों को पकड़ा गया और 7:30 में प्रक्रिया करके उनको हवाले किया गया था। 5:30-5:30 बजे का मामला है। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष टुटू सिंह हैं जो फिनहरा प्रखंड अंतर्गत आते हैं, इस घटना स्थल पर भी आए हैं। टुटू जी, क्या जानकारी मिली है? स्थानीय लोग का तो कहना है कि उनके हाथ में ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ है, ना ही कोई प्रशासन को हमने एसएसबी को वीडियोग्राफी करते हुए देखा है, और ये एफआईआर में सारी चीज़ें दर्शाई गई है। देखिए, यहाँ पर आने पर पता चला है कि उसको निर्दोष फंसाया गया है और साजिश के तहत कुछ दारू माफियाओं का पता चला है कि दारू माफिया का विरोध करने पर जो है उस तरह का उसके साथ फंसाया गया है प्रशासन से मिलकर, लेकिन उसके साथ कोई बरामद नहीं। जैसे यहाँ के लोकल लोगों का भी कहना है कि कोई बरामद नहीं है, और इसको रंजिश के खिलाफ कहिए या प्रशासन की मिलीभगत से यह किया गया है, और 4:30 में उसको अरेस्ट किया जाता है और लिखा जाता है कि 7:30 में। अगर किसी के साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो उसके लिए हम लोग जो है कि आगे भी जाएंगे, और उसके लिए आगे भी कार्रवाई हो सकती है, और हम लोग अपने स्तर से भी करेंगे, नहीं तो इस पर प्रशासन का काम है कि सच से अवगत कराए। यहाँ के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हम लोग सब दिन से बाजार में मछली बेचता है, या वैसा लड़का भी नहीं है,
आज उसका कोई केस दर्ज नहीं है, कोनो गन बंदूक का ना कभी जेल गया है। से उसको जब पकड़ के पुलिस लाया तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, ना पुलिस के हाथ में कुछ था। और जब घिसला कर ले गया, गाड़ी में बैठा के ले गया, 4:30-5 बजे का लगभग का कहानी है। बाद में हम लोग को पता लगा तो हम थाना पर बड़ा बाबू को फ़ोन किए, तो बड़ा बाबू लंग जब ये लोग गए लेके, तो बड़ा बाबू कहा गया नहीं रखेंगे, से तुम जुलूम कर रहा है, इसको क्या सबूत है कि तुमको पकड़ के इसको लाया है, सबूत बताओ। तो बाजार में पकड़े हैं सामान का साथ, तो बाजार में पकड़ा है तो वीडियो बना के लाया तो दिखाओ, ना तो नहीं रखेंगे, जाओ अपना कैंप पे रखो। तो बड़ा बाबू जब भिरखारे तो आया रात में, तो आकर यहाँ पिस्टन जहाँ कचरा में बिगवा के 3350 उसे उठवाया, और उठवा के वीडियो बनाया ले जाके अथी में घोड़ा सहान उसके ट्रीटमेंट करा के मेडिकल करा के ले जाके जमा किया। जब हम खाना लेके गए, वही SSB जो पकड़ा जो गया लेके, तो हमसे पूछा कहाँ आया, कहाँ घर है, बकरी घर है, कहाँ आया, खाना किया नहीं आया, हमारा भाई पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, हमको ऐसे SSB पकड़ लिया। तो वहाँ लिख रहे हैं एगो मोछ वाले, उसमें दमदार जानू है, हम नहीं चिनते हैं थानवा में, तो वो रहे लिख रहे थे, तो उसको सलाई को मारा, तो हम कहे से ये लोग चाल किया है, तो चाल तो बोला कि चाल ही लोग किया है, हाँ सर चाल नहीं है तो कहती है साजिश का तौर, तो ठीक है दिन में वीडियो कर लेते सामान का साथ, सब लोग आम बाजार का लोग देख लेता, वह हम दोनों का तरखा तरखी हो गया। वो लगला कि तुम ताम बोलने लगा, हम तुम ताम उसको बोला, पुलिस वाले कहा कि तुम जाओ आया है जो काम से जाओ, SSB को भगा दिया, हमको रख लिया, हम रह गए तो क्या सर क्या करना है, तो करना है आधार कार्ड लाया है, आधार कार्ड लाओ, फोटो कॉपी करके लाओ, ये सब हम दिए। उसका बाद चलान हुआ था, चलान होने के बाद हम लोग घरे चलाए, उसको चलान कर दिया। यही बात है, प्रशासन से क्या मांग, प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा SB साहब से मांग करते हैं कि आकर वो अपना स्तर से सही जांच करे, अगर दोषी है तो उसको फांसी का ऑर्डर, अन्यथा तो उसको रिहा दे। यही कहकर अपना पानी रखता हूँ। देखिए भावुक नहीं हुई, देखिए आंखों में आंसू हैं, इनका कहना है कोई आपराधिक घटना उनके पीछे नहीं है, कोई छवि आपराधिक वाला मामला नहीं है उनके साथ, और इस तरह की जो घटना पहली बार हुई है और उनको जेल हुआ है। बाकी जांच का विषय है कि इस पर आखिर SSB को इस तरह की कार्रवाई करने की नौबत क्यों आ गई। यहाँ के स्थानीय लोग का कहना है कि वहाँ से जब पकड़ा गया, गिरफ्त में लिया गया, तो उनके हाथ में ऐसा कुछ नहीं था, फिर बाद में वीडियोग्राफी हुई, या क्या हुआ ये जांच का विषय। राघव मुखिया उर्फ डंडी बाबा हैं, इनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनकी यहाँ से गिरफ्तारी हुई SSB के द्वारा और चलान होकर के उनको जेल भेजा गया है। इस घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है बाबा? SSB का जवान को बॉर्डर को रक्षा केंद्र आप लोग छोड़े हैं सरकार, ये 5 किलोमीटर 1 बजे दिन में सिसहानी बाजार पर आके बैठ गया, यहाँ का लोग देखने वाला सब लोग देख रहा है, झूठ बोलिए तो जीप काट लीजिएगा। 3 घंटा बैठ गया BS के जवान से बैठ गया, बैठने के बाद में मछली जब 2 घंटा बेच लिया भोला मुखिया, तो कचरा फेंकने गया तो उसमें का क्या दौड़ के जाके दपोच कर धर लिया, दपोच के धरने के बाद में गली में बैठा लिया, तेजी में गली लेकर भाग गया। दारू मफिया से ये सब दोस्ती रखा है, दारू मफिया 2 दिन हमारे भाई का दारू के बारे में झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद में क्या हुआ, पीटा पीटी हुआ, केस कर दिए। 5 किलोमीटर थाना परवारी आएगा, चैनपुर थाना आएगा, ढाका थाना आएगा कि BS के जवान बॉर्डर छोड़कर रथिया छोड़कर अब बीच बाजार में 3 घंटा बैठकर और उसको जब मछली बेच लिया आउते पकड़ लेता, वहाँ दे रहा है दौड़ दौड़ के पकड़ा। पूछा यहाँ पूरे ग्रामीण लोग हैं, उनको हम भाई है, सोदर भाई है, छोटा भाई है भोला मुखिया, पूछ लीजिए जो दौड़ के पकड़ा कि 3 घंटा ये लोग मछली बेचा भोला मुखिया, यह कचरा भी ने उसी समय दफोज कर ले चल गया। SSB साहब जांच कीजिए, मेरे भाई निर्दोष का फंसाया है पैसा लेकर घूस लेकर। SSB को इनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? SSB ने कुंडवा चैनपुर को जो सुपुर्द किया है और फिर उनका चलान हुआ, फिर वो जेल गए, इसके पीछे आखिर हकीकत क्या है, ये जांच का विषय है कि आखिर ऐसा प्रशासन क्यों कर रही है। यहाँ स्थानीय लोग का कहना है उनके साथ कुछ नहीं पाया गया है, और FIR में ये दर्ज है कि जब गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हम लोगों को देख करके वो भोला मुखिया प्लास्टिक को फेंक करके भागना चाहते, फिर हम लोग उनको पकड़े, फिर वहाँ से उन्हीं के द्वारा प्लास्टिक को उठाया गया और उसमें फिर काला प्लास्टिक निकला, फिर उसमें से देसी कट्टा निकला, जिस तरीके से FIR में दर्शाया गया है।